Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel हैदराबादी तड़का। आज हम आए नई रेसिपी के साथ, चॉकलेट क्रीमी कस्टर्ड केक। और बहुत इजी है, बहुत ही यूनिक है। आप पहली बार बना रहे हैं हम YouTube पे, आप ट्राई करिए, हमको फीडबैक दीजिए। इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। शुगर 1 कप और 3 अंडे। पहले अंडे और शक्कर को बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। वेनिला भी अभी डाल देना है हमें। ऐसी होनी चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। और मैं भूल गई थी तेल बताना, हमने ऑयल लिया, वेजिटेबल ऑयल 80 ml है। और हम अभी दूध और तेल डाल लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसे ग्रीस कर लिया है, वो हम डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। देखिए मैंने दो हिस्सों में निकाला है, इन केस ये ओवरफ्लो ना हो जाए। तो मैंने प्री हीट किया है ओवन 180 डिग्री पे, और हम इसे 30 मिनट के लिए बेक करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे चॉकलेट कस्टर्ड के लिए यहाँ पे मिल्क लिया है 1/2 लीटर, और यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी ली है। हम इसे पहले डिसॉल्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया है 3 टेबलस्पून, पहले हम वो डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें लम्स ना बने। अब हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे, धीरे धीरे डालना है, लो फ्लेम पे। और धीरे धीरे हिलाना है। हो चुका है, अब हम इसे ठंडा होने तक रख देंगे, उसके बाद से फिर हम केक पर डालेंगे। मैंने इसकी मदद से इसे होल कर लिए थे, हम इसमें दूध डालेंगे। अब हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो इस पे डालेंगे। देखिए हम इसमें रेनबो स्प्रिंकल्स डाल लेंगे। देखिए डिश आउट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और आप इसमें इसको सालगिरह में बना सकते हैं, या किसी ओकेजन में बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही स्नैक्स के टाइम पर शाम को खा सकते हैं, या कभी भी आपको जब मन करे। बहुत इजी और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, होप आप लोग को पसंद आई होगी। और हमें फीडबैक देना ना भूलिए। मेरी अम्मी का चैनल है हैदराबादी तड़का इन तेलुगु, वो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फिर हम आएंगे नए रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, subscribe to my YouTube channel and also activate bell icon to get latest videos.